कैसे हैं आप सब? दिल से खुश आमदीद है मेरे YouTube चैनल इशू ऑल इन वन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन खवरमा, जिसके लिए मैंने लिया है ये 1 किलो चिकन। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 चम्मच फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, नमक 1 चम्मच, दही भी हम भर के डालेंगे 4 चम्मच मैंने दही डाला है इसमें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हम इसे रख देंगे अब आधे घंटे के लिए। और ये देखिए हो गए हैं अब हमारे गोश्त को 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं जिसे हमने रख दिया था। अदरक लहसुन, नमक, हल्दी और दही मिलाकर तो अब बनाना शुरू करते हैं चिकन खोरमा। जिसके लिए हमें चाहिए यह है खोपरा, ये मैंने आधा कटोरी लिया है। यह है खशखश, ये 3 चमचे हैं। और यह है कुछ बादाम 8 से 10। ये गरम मसाला पाउडर है 1 छोटा चमचा। लाल मिर्ची है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये सादी लाल मिर्च है 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर 1 चमचा फुल भरकर। और यह है चिकन मसाला। और ये मैंने लिए है प्याज। तो हम सबसे पहले प्याज डालेंगे हमारे तेल में। ये मैंने तेल डाल दिया है इसमें, ये 3 चमचे भर के मैंने इसमें तेल डाला है। अब हम इसमें प्याज डाल के प्याज को लाल होने देंगे। और जब तक हमारी ये प्याज लाल होती है तब तक हम इसे तवे पर भूनकर पीस लेंगे तीनों को भी। इसे भून लिया है, अब हम इसे पीस लेंगे मिक्सर में। फिर मैं मिलती हूँ आपको इसे पीसने के बाद। ये देखिए हमारा पेस्ट तैयार है, खोपरा, खशखश और बादाम का। और हमारी प्याज भी पिंक हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 प्लेन चम्मच ऐसा अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि हमने हमारे गोश्त पर भी चिकन पे भी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छा डाला था 1 चम्मच फुल। तो अब हम फिर ज़रूरत के हिसाब से ज़रा डालेंगे बस, और इसे भून लेंगे अच्छा। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारा ये चिकन। हमें ये फुल फ्लेम पे डालना है। अब हम हमारे चिकन को अच्छे से गलने देंगे। अब हम इसे ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा चिकन सॉफ्ट होने आया है अभी, पर हम अभी इसमें डालेंगे हमारा ये पेस्ट। और इसे अब अच्छे से भूनने देंगे हम 8 से 9 मिनट तक। देखिए अच्छे से हमारा गोश्त भी अब गलने आ गया है बिल्कुल, और मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें
लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, फिर हम हमारी रेगुलर वाली लाल मिर्च डालेंगे। अच्छे से पकाएंगे अभी हम इसे, अच्छे से भून लेंगे। अब आपने बहुत से तरीकों से चिकन की ग्रेवी, चिकन के सालन वगैरह खाए होंगे, आप इस तरीके से ज़रूर ज़रूर बनाकर देखिए। इससे सारे मसाले ऐसे हमारे चिकन में रस बस जाते हैं और एक एक चीज़ का फ्लेवर बहुत अच्छा और शानदार आता है। आप ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, पूरा देखिए, फिर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अब हम इसमें हमारा धनिया पाउडर, चिकन मसाला और गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे बस एक दो मिनट के लिए ही हम भूनेंगे, क्योंकि हमारा गोश्त अब अच्छे से गल गया है चिकन हमारा। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम ग्रेवी के लिए। ग्रेवी आप आपके हिसाब से रख सकते हैं, जैसा आपको पतला पसंद है तो पतला करें, या गाढ़ा भुना भुना रखना है तो वैसा रखें। अब हम इसे थोड़ा दम पे रख देंगे। इसमें हम हमारी कोथमीर डालेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा बस जोश आने देंगे और फिर बंद कर देंगे। और ये देखिए बन गया है हमारा चिकन कौरमा। मैं आपको इसे डिश आउट करके बताती हूँ। यार है हमारा चिकन कौरमा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।